हमारे साथ इस वक्त लखनऊ में प्रधान संघ के अध्यक्ष जो अमित जी हैं, और प्रदर्शन आज इन्होंने किया है। आप देख सकते हैं पुतला फूका है और तमाम जो लोग हैं इनके साथ में आए और नारेबाजी भी की। आखिर क्या मामला क्या है, क्यों आप इतने नाराज़ हैं, क्या बात है? दरअसल प्रधान साथियों की प्रधान की समस्याओं को लेकर दिल्ली में हमारे संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था, जिसके परमिशन नहीं मिलने पर हम लोग अपनी समस्याओं को यानी प्रधानों की समस्याओं को लेकर राज्यसभा सांसद और सांसदों के बीच जा रहे थे, ताकि प्रधानों को जो समस्याएं आ रही हैं उनकी पेमेंट को लेकर, नरेगा की पेमेंट को लेकर, मटेरियल पेमेंट को लेकर, लेबर की पेमेंट को लेकर, उसको प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जा सके और प्रधान सुचारू रूप से ग्राम पंचायतों का विकास कर सकें। उसी दौरान 23 मार्च को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, हमारे पूर्वी अध्यक्ष घनश्याम मणि यादव जी, आप लोग रामगोपाल से मिलने गए। जब उनको बताया गया कि आप फला संगठन से आए हुए हैं और ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उन्होंने बहुत ही बेहूदगी के साथ प्रधानों को गालियां दी, उनको चोर कहा, उनको भ्रष्टाचारी कहा, और कहा मैं सिफारिश करूंगा सरकार से कि इन प्रधानों के अधिकार ले लिए जाएँ। प्रधानों के अधिकार ले लिए जाएँ? जी जी जी। जिस जिन प्रधानों को जनता ने चुन के बनाया है, रामगोपाल यादव जी कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, उनको नहीं पता है कि जनता के बीच लोकप्रिय नेता किस तरह से होता है, कैसे काम करता है। वो हमेशा सत्ता का सुख भोगे हैं और समाज को बेइज्जत करने का काम किए हैं। आज 58,000 प्रधानों को उन्होंने गालियां दी हैं। आप हम प्रधानों को, जिनको जनता ने चुना है, हम 24-24 घंटे जनता के बीच रह के काम करते हैं तब हम प्रधान बन पाते हैं, तो जनता की चुनी हुई सरकार को आपने गाली दी है। अगर आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसका जवाब आने वाले समय में जनता आपको देगी, 58,000 प्रधान आपको देंगे। ये बताइए, क्या ये जो आपने विरोध आप जता रहे हैं, क्या लगता है अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो और भी ये उग्र स्तर पर जा सकता है आप लोगों का जो संगठन है? अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा, पुतला दहन होगा, और उस पर भी अगर इनकी अकल ठिकाने नहीं आती है तो आने वाले 2024 के चुनावों में जनता और जनता के चुने हुए प्रधानों द्वारा इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब जो ये प्रदर्शन है, इनका कहना है अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये बहुत ही उग्र स्तर पर जाएगा, और कहीं ना कहीं विवादित बयान जो उन्होंने दिया है उसकी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब इस तरह की रिपोर्ट, आगे क्या अपडेट होगा हम भी आप तक लाते रहेंगे। तब तक लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ लखनऊ।